दोस्तों नमस्कार, स्वागत है फिर से नए ब्लॉग में। तो आज हम लोग जा रहे हैं, क्रिसमस पहुंच रहा है तो उसका केक बनवाने के लिए। तो चलिए आप लोगों को मिलाते हैं वहां पर, दिखाते हैं किस प्रकार से केक बनाया जाता है। तो वहां पर मशीन से बनाया जाता है, वहां पर जाएंगे और एक केजी का 220 रुपये लेता है, फिर आपको सारा सामान लेके जाना है। तो कैसे बनता है उसको देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखिए कैसा प्रोसेस होता है, सारा चीज़ स्टेप बाई स्टेप दिखाएँगे। तो बस आप देखते रहिएगा और कमेंट करके बताइएगा अगर आपको बनवाना है, अगर बनवा लिए हैं तो ही बताइएगा, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिए, चलिए मिलते हैं डायरेक्ट हम लोग केक जहाँ बनता है वहाँ पर। फाइनली भाई हम लोग पहुँच चुके हैं। तो देखिए कैसे भीड़ है, एक ही रूम है वहाँ पर, उधर कोना में जो दिख रहा है वही मशीन है। तो चलिए दिखाएँगे कैसे होता है स्टेप बाई स्टेप, लोग मिला रहे हैं, दिख रहे हैं ना वहाँ पर। तो चलिए मिक्स करके जो कंटेनर दिख रहा है डब्बा डब्बा टाइप में, उसमें डाला जाता है, फिर लास्ट में उधर जो मशीन है उसमें डाला जाता है, उससे पहले ट्रॉली में डाल के। तो चलिए मशीन देखते हैं पहले। तो यही है मशीन, अन्नपूर्णा मशीन करके नाम है। तो हीटर एक प्रकार का है तो उसी से बनता है, क्या बोलते हैं, ओवन जो होता है उस टाइप का है, तो इसमें बनता है। देखिए यही मशीन है, इसी में बनता है, लगभग 1.5 घंटा लगता है। और ये रहा मिक्सर मशीन, इसमें मिक्स करके भी डाला जाता है और इसमें 1.5 घंटा लगता है और 169 के लगभग टेम्परेचर रहता है। तो चलिए आप प्रोसेस शुरू करते हैं। तो जैसे कि देख रहे हैं अब शुरू हो चुका है। तो अब सबसे पहले इसमें अंडा डाला जा रहा है, अंडा मतलब कि पर केजी 20 के हिसाब से, तो 2 केजी का बन रहा है तो 40 केजी डाला जाएगा। जैसे कि देख रहे हैं 40 अंडा हो चुका है अब लगभग। तो अब इसमें अब चीनी डाला जाएगा, तो चलिए देखते हैं। चीनी भी डाल के थोड़ा सा शुरू हो गया भाई साहब जी घोलने के लिए, तो जैसे मिला रहे हैं देखिए कैसे तेज़ी से। तो अब मिलने के बाद चीनी मिल जाएगा तो इसमें अब बेकिंग पाउडर डाला जाएगा। बेकिंग पाउडर डालने के बाद एसेंस जो होता है उसको सेंट डाला जाता है, मतलब कि एक प्रकार का फ्लेवर के लिए भी और उसमें महकना है उसके लिए भी। तो देखिए बेकिंग पाउडर डाला जा रहा है, वो हिसाब से डाला जाता है, इन लोगों को सारा चीज़ आइडिया है, तो अपने को तो आइडिया नहीं है, जैसे बताया वैसे कर रहे हैं। तो जैसे कि देख रहे हैं तो देखते रहिए और घर में जाकर ट्राई भी करिए कि इसे बनता है कि नहीं बनता है। तो चलिए देखते रहिए। तो फाइनली बेकिंग सोडा डाल के ख़त्म हो चुका है, अब इसमें चीनी डाला जाएगा। तो देखिए चीनी भी डाला जा रहा है, उस चीनी भी 2 केजी है, तो उसको फिर अभी घोला जाएगा, उसके बाद फिर उस पर तेल, देखिए तेल भी डाला जा रहा है। तो रिफाइंड ऑयल डाला जाता है, तो 2 केजी रिफाइंड ऑयल भी डाला जाएगा और उसको अच्छी तरीके से पूरा मसल मसल के उसको मिलाया जाएगा फिर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं अभी ड्राई फ्रूट्स डाला जा रहा है, तो ड्राई फ्रूट्स में टूटी फूटी क्या बोलते हैं काजू किशमिश और जितने तरह के आप चाहते हैं, जितना खाना चाहते हैं, जो जो खाना चाहते हैं वो सारा चीज़ आप डाल सकते हैं। तो इसमें डाला जा रहा है फ्लेवर के लिए भी और क्या बोलते हैं, अच्छा लगता है, मज़ा आता है खाने में, तो इसलिए डाला जा रहा है। तो देखिए कितना डालते हैं, देखिए देखिए देखिए, और इसको डालने के बाद फिर इसको घोला जाएगा, जैसे कि आप देख ही रहे हैं भाई साहब जी, धीरे धीरे करके घोल भी रहे हैं, मिला भी रहे हैं। मिलने के बाद पूरा मिल जाएगा, उसके बाद फिर इसमें आखिरी जो बचा हुआ है वाइट वाइट जो प्लास्टिक में दिख रहा है जो अब खोल चुका है, ये रहा मैदा। तो इस मैदे को मिलाया जाएगा, फिर उसको अच्छी तरीके से पूरा अच्छा से बहुत अच्छा से उसको फिर मिलाया जाएगा, मिलाते रहे जब मिल जाएगा तो फिर उसको कंटेनर में डाला जाएगा, फिर कंटेनर में डाल के उसको फिर ट्रॉली में डाला जाएगा, उसके बाद फिर मशीन में डाला जाएगा। फिर मशीन में आपको बता दें कि 1.5 घंटा में बन जाता है, वही 164-155 लगभग का जो टेम्परेचर होता है, ओवन क्या बोलते हैं वही चीज़, वही सही टाइप का बना हुआ है तो उसी में बनता है। तो बस देखते रहिए, तो इस प्रकार से बनता है। तो वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक भी जरूर करिएगा। चलिए देखिए अब आगे कैसे होता है, बन के कैसे निकलता है, कैसे बनता है, क्या क्या प्रोसेस है, थोड़ा सा एक झलक। नहीं आओ।
हेलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।